नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धे टीवी, जहां हम आपको यूपीएससी के तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे हाल ही में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते संघर्ष और उसके वैश्विक प्रभावों पर, जो यूपीएससी परीक्षा के लिए काफी प्रासंगिक हो सकता है। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इसराइल पर लगभग 200 मिसाइलों से हमला किया। इससे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष और तेज हो गया। ये घटना इसलिए अहम है क्योंकि ये पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता को हिला सकती है। इन हमलों के बाद अमेरिका ने खुलकर इसराइल का समर्थन किया। इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में यूपीएससी के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में ये घटना महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत ने इस संघर्ष में अब तक तटस्थ रुख अपनाया है और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत हमेशा से शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि भारत ने इसराइल और फलस्तीन दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश इसराइल के साथ खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देश फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ये संघर्ष ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया है, जो विश्व राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। सवाल उठता है कि इस संघर्ष से किस तरह की भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी। इसमें पहला है तेल और ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति पर प्रभाव। मध्य पूर्व क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। इसराइल ईरान संघर्ष से तेल और गैस की आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता आ सकती है। दूसरा, अरब देशों का विभाजन। सऊदी अरब, यूएई और अन्य सुन्नी देश ईरान से शिया नेतृत्व के खिलाफ हैं, जबकि कुछ देश फलस्तीन के मुद्दे पर इसराइल के विरोध में खड़े होते हैं। ये विभाजन मध्य पूर्व के क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना देता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप और कूटनीति। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इसराइल के समर्थन में हैं, जबकि रूस और चीन जैसे देश ईरान का समर्थन करते हैं। इस प्रकार ये संघर्ष वैश्विक शक्तियों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। इससे भू राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। यहाँ एक और पॉइंट पर हमें नजर डालने की जरूरत है, वो ये है कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें पहला है भारत की तटस्थता और ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने इसराइल और ईरान दोनों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाए हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों से आयातित तेल पर निर्भर करता है। इसलिए भारत इस संघर्ष में तटस्थ रुख अपनाते हुए शांति की अपील करता है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलन साधना। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों में वोटिंग से दूर रहते हुए तटस्थता दिखाई। ये भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वो किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय क्षेत्रीय स्थिरता और शांति का पक्षधर है। तीसरा है भारत इसराइल संबंध। इन संबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत को इसराइल के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है, विशेषकर रक्षा सहयोग के संदर्भ में। चौथा है ईरान के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध। ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना और ऊर्जा संबंधों के कारण भारत के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसलिए भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों में भी सावधानी बरतनी होगी, ताकि इस क्षेत्र में उसके हित सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर मध्य पूर्व में इसराइल ईरान संघर्ष न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण है कि वह अपने रणनीतिक और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखे। ऐसे में भारत की तटस्थता और शांति की अपील उसे एक संतुलित कूटनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करती है। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल धे टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।